का आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं, कभी घबराना नहीं है आप। चला जा भोसड़ी के। बकर पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगी आपसे कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी आईटी की यूनिवर्सिटी कुछ भी ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है। हमेशा समझ आती नहीं है जिन लोगों का बैकग्राउंड ऐसा है जिनको आप पता नहीं होती इस बात का। आप सोचे ना जिस मुल्क में करप्शन करने के बाद ये कह दिया था 100 रुपए की करप्शन किया था यार चल 20 रुपए देके छूट जा भाई तुम सबके सब लंडो भाई। और एक बंदी ने जहाज बनाया उसको पकड़ के FIR काट दी। मतलब टेक्नोलॉजी पे अगर ये अमेरिका में हुआ था यही चीज सेम एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एलियन मास्क इतनी बड़ी एग्जाम्पल है, स्पेस एक्स का मालिक है वो प्राइवेटली मतलब वो रॉकेट भेज रहा होता है। उसने एग्जैक्टली सेम चीज की थी अमेरिका में नेवाडा में जाके उसने रॉकेट के एक्सपेरिमेंट किए और बगैर इजाजत के किए और इसके बाद उसको अमेरिकन गवर्नमेंट में सर पे उठा लिया। आज वो मार्स में जाने की बात कर रहा है और मार्स का टिकट आपको पता है $10 बिलियन का रखा है भाई। जिसने मार्स में जाना है 5 साल बाद वो 35 स्टोरी का स्टारशिप बना रहे हैं उसमें लेके चला जाएगा। सबर करो। मून टूरिज्म की बात हो रही है इस साल वो एक बंदा लेके जा रहा है $50 मिलियन टिकट है उसकी। मतलब या चांद के टूरिज्म की बात हो रही है या करतारपुर का मसला सही नहीं हो पा रहा होता इनसे कि भाई टूरिज्म संभालेगा कौन। जहाज बनाने वाले को अगर आप FIR की तरफ ले जाते हैं तो कितनी डिमोरलाइज बाकी कौम होगी भाई। ये चीज बना कागज का जहाज भी नहीं बनाना में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ करना ही नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मसला सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है कि IT की प्रोडक्ट के अलावा आप मुझे बता दें कोई एक प्रोडक्ट। स्पार्को से क्वेश्चन होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। नाइस। अब यहाँ आधे लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं यहाँ गाड़ियां चल रही हैं। यही बात करने जाए थे वकार के हम इंडिया पे तनकीद करते हैं हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते स्पेशल वो सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था, ठीक है। आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की है, इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की, इससे वो कितना पैसा कमा रहा है। और इसमें उनके पास भाई बजट अब मिलना शुरू है, शुरू में बजट नहीं मिला, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है इसको यूज करो। अब आप जरा फवाद चौधरी साहब की बात सुने, एक तो जब साइंस की नॉलेज नहीं होती तो बंदा कैसी बातें करता है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है उनका 3 महीने पहले, असद उमर साहब भी साथ बैठे थे, उन्होंने कहा हम आज बड़ी आपको खुशी से बता रहे पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट 2020 में चांद पे जा रहे हैं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है वो जा रहा है किसके रॉकेट में बैठ के? चाइना के रॉकेट में बैठ के जा रहा है घूमने जा रहा है। चाइना के रॉकेट में बैठ के जा रहा है घूमने जा रहा है। ओ भाई अगर वो चला भी गया तो मुल्क की मईशत में क्या ऐड करेगा? ये कोई ग्लोरीफाई करने वाली चीज है? या तो आपने अपना रॉकेट बनाया होता, आपके पास अपना लॉन्च पैड नहीं है। और ये बजट का चक्कर नहीं है, सही साइंटिस्ट वहां पर नहीं है जिनको अथॉरिटी मिली हो जो कर सके। यार ये बयान होता है आप देखें ना इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, एक तो मैं आपको बताऊं इससे ये साबित हो जाता है सादिक और अमीन होने का मतलब ये नहीं है। इमरान खान की नियत पे शक नहीं, फवाद चौधरी भी नहीं, असद उमर साहब भी नहीं, क्या कॉम्पिटेंट भी है? Exactly. है कि नहीं है भाई? आप सादिक और अमीन है लेकिन क्या आप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझने की एबिलिटी है? वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है सादिक अमीन और एक कॉम्पिटेंसी डिफरेंट। तबाही का बाइस यह हुआ है कि हमारा बाकायदा अमरीकी बयान देते हैं कि जी हम डॉलर के एवज अपनी माँ बहन बेच देते हैं, हम वो लोग हैं। अमरीकियों ने किसी सिविल हुक्मरान के लिए ये बात नहीं कही। ये तो डंडन तेरा बाप तेरे पापों का। हमने अपने 5 शहीदों के बदले अभी हमको 500 पाकिस्तानियों को मारना पड़ेगा, खुलकर बोल रहे हैं ये पाकिस्तानी साफ हैं। अपना मकरू और गंदा चेहरा छुपाने के लिए वो इल्जामात का सहारा लेता है। खुद को नेक और दूसरों को शैतान साबित करने वाला नरेंद्र मोदी अपने जराइम छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी के गुनाहों की लिस्ट इतनी बड़ी है कि छुपाए भी ना छुपाए। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।
इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। नज़र भारत का सबसे बड़ा कसाब मोदी, जो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करता है, हमेशा करता है, जो आए दिन कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता है, जन्नत नजीर वादी में खून की नदियां बहाता है और इसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाता है। ये पाकिस्तान से भिखारियों का देश, हैदर मारा गया जनरल सिन्हा, उसके हर साथी भी मारा गया, जो जो एक साथी था, हमने अपने 5 शहीदों के बदले अभी हमको 500 पाकिस्तानियों को मारना पड़ेगा, खुलकर बोल रहे हैं, ये पाकिस्तानी सांप है। अब की बार बीजेपी नहीं आएगी, लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जो तमाम आपके तुक्के कह दें पंजाबी में, वो बिल्कुल उलट साबित हो गए। मोदी की जीत एक बार फिर, क्या सोच कर मोदी को वोट दिया? मुझे तो ये औरत लपु जन्नों के जैसे लगती है, इसकी बातें भी इलॉजिकली होती है, जिनका कोई बेसिर बेपैर की बातें करती है। सारा दिन मोदी 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 मोदी, भारत 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 भारत। अरे अपने पाकिस्तान को देखो, वहाँ पे अंडा 30 रुपए का है, 1000 रुपए किलो अदरक बिक रही है, वो तो देख लो, वो तो संभाल लो तुम अपने। अच्छा, इसकी दुश्मन तारीफ करें, बताइए वो कैसा इंसान होगा? मेरे बारे में शायद, मैं उन एंकर्स में मेरा शुमार होता है जिनको भारत के लोग बकायदा फेसबुक पे ट्विटर पे आके गालियां निकालते हैं। दुश्मन क्यों तारीफ करेगा तुम्हारी? तुम तारीफ के काबिल भी हो? कभी कोई काम किया आतंकवादी एक्सपोर्ट करने के सिवा तुमने? और आप यकीन जानिए, मुझे खुशी होती है कि दुश्मन मुझे गाली दे रहा है, यानी मैं डॉक्टर फिजा अकबर खान उनको ऐसे टीका लगाती हूँ कि उनको दुखता है, उनको चुभता है, और फिर वो मुझे गालियां देने पर मजबूर होते हैं। अगर भारत ही मेरी तारीफ करेंगे तो उस दिन मुझे अजियत होगी कि अरे दुश्मन मेरी तारीफ करने पर आ गया, मैंने ऐसी क्या गद्दारी कर दी। सोचिएगा, ये गहरी बात है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उनको उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान वापस। गजब का देश है, इनके मंत्री संतरी इनकी पोल खोलने में लगे हुए हैं बेंचो। पैर ताप रहे थे, पसीने माथे पे थे। यकीन जानिए, मुझे हैरत हो रही है, बल्कि मुझे तकलीफ हो रही, अजियत हो रही है, और इंसाफ पे गुस्सा आ रहा है। किसी भी पाकिस्तानी को गुस्सा आएगा ऐसा की बातें सुनने के बाद। मुझे ये हैरत हो रही है कि ये अपने ही मुल्क के रहने वाले हैं या फिर ये कोई भारतीय शहरी है जो कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारतीय पायलट अभिनंदन को इसलिए छोड़ा क्योंकि इमरान खान भारत से खौफजदा थे। गजब बेइज्जती है। शाह महमूद कुरैशी की टांगे कांप रही थी और वो हमसे दरख्वास्त कर रहे थे कि अभिनंदन को जाने दे, अगर उसको जाने नहीं दिया तो भारत रात 9 बजे हमला कर देगा। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। अयाज सादिक साहब, साहब भी मेरा कहने को दिल नहीं चाह रहा। अयाज सादिक, ये बयान देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये तो डंडन। तबाही का बाइस यह हुआ है कि हमारा बकायदा अमरीकी बयान देते हैं कि जी हम डॉलर के एवज अपनी मां बहन बेच देते हैं, हम वो लोग हैं। अमरीकियों ने किसी सिविल हुक्मरान के लिए ये बात नहीं कही। हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं।